हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं हरे मटर की गार्लिक घुगनी बना रही हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है। आप इसे शाम को नाश्ते में खाएं या पोहा या कुरमुरा के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, गार्लिक घुगनी। मैं यहाँ पर पैन में 1 गिलास के लगभग पानी डाली हूँ। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। मैं यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग बटाना ली हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बटाना को डालेंगे। नमक के साथ बटाना को उबालने से उसमें नमक अंदर तक जाती है और वो मीठा नहीं लगता है बटाना खाने में। अब हम इसे ढक देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर पैन में तेल डाली हूँ 4 से 5 चम्मच। मैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब हम इसमें 3 से 4 कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और लाइट ब्राउन तक होने तक भून लेंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। मैं यहाँ पर 10 से 12 लहसुन ली हूँ और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हल्का लाइट ब्राउन होने देंगे। यहाँ पर मैं 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। हम इसे मिला लेंगे। 1 से 2 सेकेंड हम इसे भून लेंगे। इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसे हम अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। पानी के साथ में हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें बॉयल बटाना को डाल देंगे। हम इसे मिला लेंगे अच्छे से और हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक डालें। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे लो फ्लेम पे और 1 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो रखना है। 1 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। बटाना और मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती यहाँ पर छिड़क देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। धनिया पत्ती जब तक सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे मिला लेंगे। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं। बटाना अच्छे से पक चुका है और धनिया भी सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेट में इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। इस तरह से हम सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा गार्लिक घुगनी तैयार है, हरे मटर की गार्लिक घुगनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुरमुरा ली हूँ, उसके ऊपर मैं दाल मोठ छिड़क दी हूँ। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ प्याज लिया है और 1 हरी मिर्ची ली है। अब मैं यहाँ पर घुगनी को डाल दूंगी। तो इस तरह आप हर शाम को खाएं नाश्ते में, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है। आप हर रोज यही बनाएंगे अगर एक बार ऐसे बनाकर खा लेंगे तो। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मैं आपको अब चेक करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है, आप इसे जरूर ट्राई करें।